हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं TS-LT35A मॉडल है, ये एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा वैसे तो डिटेल वाला वीडियो बना है ऑलरेडी मेरा, इसका आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्टिविटी। पीछे ये मैंने USB डोंगल लगा रखा है, ये 2 TB हार्ड डिस्क जो है डायरेक्ट सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर। ये 2 TB का हार्ड डिस्क भी मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, प्रोजेक्टर ऑन कर लेते हैं। प्रोजेक्टर फुल HD 1080p है, 10,000 लूमिनेंस की ब्राइटनेस है प्रोजेक्टर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी धूप आ रही है अंदर, यहाँ मतलब उजाला है डे लाइट में, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे। एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम, फुल HD 1080p है, अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट है दोस्तों प्रोजेक्टर। ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्टर का जो एसोसीरीज है, पावर केबल, रिमोट, AV केबल, वायरलेस माउस, 32 GB पेन ड्राइव आपको इसमें मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं, ऐप जो है मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि कई मेरे ऐसे कस्टमर हैं जो बोलते हैं कि सर आप हमको ऐप्स डाउनलोड करके ही दीजिए इसके अंदर, तो ये मैंने कर रखा है यदि आपको चाहिए। वैसे तो प्रोजेक्टर में जो VLC प्लेयर, MX प्लेयर, डाइम प्लेयर ये नहीं डला हुआ आता है, ये यदि आपको चाहिए है तो मैं ये इंस्टॉल करके अभी एक्चुअली एक कस्टमर को भेज भी रहा हूँ, ये तो टेस्टिंग के हिसाब से मैंने कर रखा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, वायरलेस माउस भी आपको इसके साथ में मिलता है, ताकि टाइप वगैरह करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसमें। ओके, तो बाकी पूरा ये आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, मैं ऐप्स दिखा देता हूँ यहाँ। ये पूरा ऐप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, ये सब इंस्टॉल इसमें किया है मैंने। VPS ऑफिस, MX प्लेयर, डायम प्लेयर, VLC प्लेयर, ये आपको मैंने करके दिया है, क्योंकि आप जैसे मैंने 2 TB हार्ड डिस्क यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो 2 TB हार्ड डिस्क में जो मूवी पड़ी हुई है मेरे पास रखी हुई है जो डाउनलोड करके, तो वो क्या है, 5.1 ऑडियो में है, 7.1 ऑडियो में है, तो वो डायरेक्ट इसका प्लेयर प्ले कर तो देता है लेकिन ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये आप बोलेंगे तो आपको भी मैं MX प्लेयर और ये डाउनलोड करके दे दूंगा। और प्रोजेक्टर जो है रेड एंड ब्लू 3D को सपोर्ट करता है, तो रेड एंड ब्लू 3D के लिए भी आपको यहाँ ये डायम प्लेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये डायम प्लेयर आपको यहाँ मिलेगा, आप यहाँ से जो है 3D मूवी अपनी देख सकते हैं। देखिए मैंने 2 TB हार्ड डिस्क यहाँ सपोर्ट डायरेक्ट लगा रखा है यहाँ, तो मैं आपको एक आध कोई इसमें 3D मूवी भी यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, और मैं इसमें जो है अवतार मूवी 3D वाली आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और रेड एंड ब्लू इसमें जो रहता है आपका, जो रेड एंड ब्लू गॉगल देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का, तो ये इसके थ्रू देखिए, एक्टिव 3D जो होता है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो एकदम रियल सिनेमैटिक एकदम एक्सपीरियंस देता है आपको। पर फिलहाल देखिए जो रेड एंड ब्लू होता है, अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, SBS 3D मूवी को हम रेड एंड ब्लू करके देख रहे हैं, जो कि एक्चुअल रेड एंड ब्लू कंटेंट है भी नहीं। यदि आपको रेड एंड ब्लू कंटेंट और थोड़ा ओरिजिनल ही मिल जाएगा ना, तो आपको ऐसी बात नहीं, 3D का जो एक्टिव 3D में आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 100% एक्सपीरियंस मिलता है ना इसमें, 70% तो आपको बिल्कुल 3D का एक्सपीरियंस करवा ही देता है, क्योंकि कई मेरे 3D वीडियो देखे हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस करवा देते हैं रेड एंड ब्लू वाला भी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ, और ये थोड़ा मैं डार्क में ही चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मतलब चश्मा सामने करके दिखा तो दूंगा, लेकिन वो है कि आपको सिर्फ दिखाना है मुझे कि इस तरीके से चलती है मूवी। ओके, तो ये TS-LT35A+ मॉडल है, तो मैं यहाँ पे जो है ये जैसे अवतार 3D आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे प्ले कर देता हूँ, और 20 Country Fox को थोड़ा मैं यहाँ जो है पॉज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अवतार मूवी जो है प्ले कर दी है, आप देख सकते हैं डायम प्लेयर यहाँ लगा हुआ है, इस पर प्ले कर दी है। तो अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप चाहेंगे तो मैं देखिए आपको डायम प्लेयर डाउनलोड करके दे दूंगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेड कैन यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर रखा है पहले से। अभी हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है अपने को ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ये देखिए माउस का एरो यहाँ पे लेफ्ट राइट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपका जो है NAGLF 3D में यहाँ कन्वर्ट हो गया आपका मूवी, ठीक है। तो ये जो है अपन यहाँ से अभी
इसका जो नोटिफिकेशन जो दिखा रहा है इसको हम बैक मार देते हैं, और ये जो है आपका 3D में हो गया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है 3D में हो गई। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे इतना 3D आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये रेड है और ये ब्लू है ना, तो ये दोनों अलग अलग ही दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ कि ये आपको देखिए 3D दिख रहा है, लेकिन बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे उतना एक्टिव 3D जितना तो नहीं, लेकिन नॉर्मली 3D का इफेक्ट आ रहा है इस मूवी के अंदर। तो आप यहाँ पे 3D यदि देखना चाहें तो ऐसी बात नहीं, कोई कोई सीन 3D दिख भी रहा है, ठीक है। तो लेकिन एक्टिव 3D से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों ने रेड एंड ब्लू अगर कोई कंटेंट होगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3D तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, डायम प्लेयर, और इसमें लग भी जाएगी। और एक्चुअली मैंने अभी इसमें क्या कुंफू पांडा 3 प्ले करके देखी थी मूवी, तो वो थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दे रही थी इस मूवी के मुकाबले, क्योंकि उसका 3D थोड़ा अलग टाइप का होगा शायद, और ये भी दे रही है। लेकिन बात यह है कि मैं इसी को ही प्ले करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसे ही प्ले करके दिखा सकता हूँ। अभी कुंफू पांडा का यदि मैंने वीडियो प्ले किया तो वो कॉपीराइट तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे 2 TB हार्ड डिस्क मैंने कनेक्ट कर रखा है, और जो कि है आपका 3D मूवी यहाँ प्ले करके दिखा दी है। अब यहाँ पे हम जैसे अब मैं आपको उसमें थोड़ा क्या है आपको ये देखिए यूट्यूब तो रहता ही है, एंड्रॉयड 9 है, तो सॉरी इस पर क्लिक हो गया तो वापस ये ही खुल गया है, लेयर डाइन लिया। यूट्यूब है आपका यहाँ पे, तो यूट्यूब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये बाकी का अगर कोई शोर शराबा नहीं होता मेरे यहाँ बाहर तो मैं आपको डे लाइट में ही दिखाऊंगा। डे लाइट में देखिए आप, ये इतना डे लाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर जो है 16 फीट 8 इंच की दूरी पर रखा हुआ है लगभग, ठीक, 16 फीट 8 इंच की दूरी पर रखा हुआ है प्रोजेक्टर, और ये आप देख सकते हैं फुल डे लाइट कंडीशन में, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी आपको। तो जैसे कि मैं अपने वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई देखो मैं यहाँ पे जो है 4K वीडियो ही प्ले करके दिखाता हूँ, वो भी वो वीडियो जिसपे कॉपीराइट ना आता हो, ठीक है, क्योंकि अदर कोई अपन यदि प्ले कर भी देते हैं उसमें कॉपीराइट आ जाएगा तो मज़े नहीं आएगा। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी 10,000 लुमिनस की ब्राइटनेस है, डायरेक्टिव फुल HD 1080p है प्रोजेक्टर, अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट करता है, 4K मूवी तो डायरेक्ट भी प्ले कर देता है। ये देखिए आप फुल डे लाइट कंडीशन में प्रोजेक्टर की वॉइस बिल्कुल इनफ है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हाफ वॉइस खोल रखी मैंने, हाफ वॉइस है ये, और क्लियरिटी आप देखिए फुल डे लाइट के अंदर। मैं स्क्रीन के सामने जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देखिए मुझे आप इतना डे लाइट है, और स्क्रीन देखिए काफी बड़ा है, ये लगभग 160 इंच से भी बड़ा स्क्रीन साइज बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फुल डे लाइट में आप क्लियरिटी देखिए काफी अच्छी है देखने के लिए, बहुत ही शानदार है। और इतने बड़े स्क्रीन पे आप देखिए मॉडल यहाँ रखा हुआ है, LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, तो कलर वगैरह आपको काफ़ी शानदार यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अभी ऐसा नहीं कि मैंने पूरा मतलब यहाँ आपको अंधेरा करके दिखा रहा हूँ, ये डे लाइट में ही वीडियो चला रहा हूँ मैं, देखिए उसके बाद भी कलर वगैरह ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और प्रोजेक्टर का प्राइस जो है लेटेस्ट प्राइस अभी जो है 25,000 रुपये है, 25,000। ओके दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है, क्लियरिटी सुपर मिलेगी, सुपर एक्सपीरियंस होगा आपको बिल्कुल। मैं आपको डार्क रूम करके भी दिखा देता हूं, बहुत ही शानदार क्लियरिटी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, सुपर क्लियरिटी सुपर एक्सपीरियंस इतने बड़े स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फुल डार्क रूम में।
आप इस प्रोजेक्टर से जो है 600 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं, छोटे में छोटे।